तो दोस्तों, हाल ही में मार्वल के कुछ नए लीक अपडेट एंड रूमर्स आए हैं पहले स्पाइडरमैन 4 को लेकर, जहां हम एक कॉन्सेप्ट आर्ट की मदद से देख सकते हैं स्पाइडरमैन 4 का फर्स्ट लुक, यानी कि हमारे वेनम सूट का फर्स्ट लुक, जिसमें हम टॉम हॉलैंड वेनम सूट में दिखने वाले हैं। पहले ये सीन हमारे पोस्ट क्रेडिट सीन यानी कि नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये सूट दिखने वाला था, बट इसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल कर दिया गया। हे दोस्तों, तो नेक्स्ट अपडेट हमारे मॉर्बियस को लेकर, जो कि मॉर्बियस अब हमारी अप्रैल में रिलीज होने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा, हॉल वगैरह खुले होंगे, तो मॉर्बियस ज़रूर हमें अप्रैल में देखने को मिलेगी। अभी ऐसे रूमर्स आए हैं कि मॉर्बियस के रीशूट चल रहे हैं, एंड गाइस ऐसे भी रूमर्स हैं कि एंड्रू गारफील्ड इस मूवी में कैमियो करने वाले हैं। गाइस, इस बात में कितनी सच्चाई वो हमें मॉर्बियस देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड देन नेक्स्ट अपडेट हमारे वेनम 3 को लेकर कि मूवी में आपकी वेनम 3 में हमें दो एंटी हीरो दिखने वाले हैं, पहला हमारा टॉक्सिन एंड दूसरा हमारा एंटी वेनम। एंड ऐसे रूमर्स में नल का भी हमें कैमियो दिख सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है नल हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिख जाए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर गाइस, कि क्या हमें फ्यूचर में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिलेगी। जी हाँ गाइस, 100% देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे जो रूमर्स एंड लीक्स थे नो वे होम को लेकर कि हमें नो वे होम में टोबी एंड एंड्रयू दिखने वाले, वो सच साबित हुए। एंड मार्वल ने सोनी वालों ने हमारी ख्वाहिश पूरी की, एंड मार्वल ने सोनी वाले फैंस को हमेशा वही देते हैं जो फैंस चाहते हैं। एंड वाकई में फैंस की कोशिश भी रंग लाई, क्योंकि ट्विटर पर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एंड रेमी यूनिवर्स की स्पाइडरमैन 4 ट्रेंड कर रही है। तो हमें वाकई में फ्यूचर में या फिर 2023 या 24 में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब तो मल्टीवर्स भी हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से हमें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिल सकती है। एंड एंड्रू का रिटर्न होना, चाहे वो एवेंजर्स 3 में भी ऐसे लीक आए कि एवेंजर 5 में हमें एंड्रू गारफील्ड का कैमियो देखने को मिल सकता है। एंड टोबी मैग्वायर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ऑलरेडी देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमें फ्यूचर में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिले, एंड्रू गारफील्ड हमारे 100% रिटर्न करेंगे, एंड वो तैयार बैठे हैं हमारे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए। तो गाइज, आज की लीक्स इतनी थी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप एंड्रू को वापस देखना चाहते हो कि नहीं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना।